मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, लगातार आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा, क्या उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से इस साल हम प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे और लक्ष्य भी ज्यादा हम कुछ अतिरिक्त प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार से आवंटन, ताकि हम लक्ष्य भी ज़्यादा जो राज्य के गरीब वर्ग के लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवासहीन लोग जो हैं, उनके लिए हम आवास की आपूर्ति कर सकें। मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 3.5 लाख आवासों का आवंटन इस वर्ष में हुआ था, जिनके लिए हमने कार्रवाई पूरी कर ली है और सारे जितने भी हितग्राही हैं उनके लिए आदेश भी मिल गए हैं और उनके लिए मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करने के लिए उनके लिए हमारे वो मस्टर रोल इत्यादि भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हमारा प्रयास यह है कि हम 1.5 लाख आवास और बनाएं। तो इस तरह से राज्य में इस साल हम लगभग 5 लाख ग्रामीण आवास 1.5 लाख रुपए प्रति आवास की जो माल है उसके हिसाब से हम बनाने में सफल होंगे और मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान के अंदर लीडिंग स्टेट होगा इस मामले में। गोपाल जी, गुणवत्ता का भी प्रश्न उठता है, उसको लेकर क्या कुछ आप सावधानी बरत रहे हैं? नहीं, इसमें गुणवत्ता का इसलिए प्रश्न उठेगा क्योंकि खुद हितग्राही के लिए बनाना है। अब यदि हितग्राही उसके घर में 4-5 लोग हैं जाप कार्डधारी, तो सारे के सारे लोग उस काम के लिए खुद करेंगे। हमने इसी कारण से उसको कन्वर्जन से जोड़ा है। 1,20,000 भारत सरकार दे रही है, साथ में हम 18,000 रुपये उसके लिए मजदूरी का दे रहे हैं अलग से और 12,000 रुपये शौचालय का। तो मुझे लगता है कि अब इसमें गुणवत्ता की कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये बाहर के लोगों से नहीं बनेगा, ये घर के लोग, घर का आदमी जब खुद का घर बनाएगा तो उसमें गुणवत्ता का सवाल नहीं होगा। एक विषय सामाजिक न्याय विभाग से जुड़ा है, विकलांगों को जो सरकारी जो नौकरी रहती है उसमें जो निर्धारित कोटा रहता है, वो देखने में आ रहा है कि सरकार खुद उसको लेकर सजग नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग से भी कुछ जुड़ा हुआ मसला है, इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? सारे जिलों में निःशक्त जनों की भर्ती का प्रोग्राम चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से हजारों की संख्या में भर्तियां हुई हैं, चाहे वो अस्थि विकलांग हों, चाहे वो श्रवण बाधित हों, चाहे दृष्टि बाधित हों, सभी प्रकार की विकलांगता की जो कैटेगरी बनाई है मध्य प्रदेश विकलांग जो निःशक्त जनों को नौकरी देने के मामले में अग्रणी राज्य है और हम लगभग अपना लक्ष्य पूरा करने की स्थिति में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव जी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ निःशक्त जनों की जहाँ तक बात है, उनको कोटा दिया जा रहा है, उनकी नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, इस तरह का भी भरोसा यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से दिलाया गया है। कैमरामैन अभिनय के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।